आज मैं शेयर करूंगी पोहा और सूजी से बना बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। इसमें हम बहुत कम तेल का यूज करेंगे और बहुत सारी सब्जियां ऐड करेंगे, तो बहुत ही हेल्दी होगा ये। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो चलिए इस आसान से नाश्ते की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पोहा और सूजी का नाश्ता बनाने के लिए 1 कप हमने पोहा लिया है और आधा कप हमने सूजी लिया है। जितना हमें पोहा लेना है उसका आधा सूजी लेना है। और हमने 1 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक काट लिया है। 1 बारीक कटा हुआ गाजर, शिमला मिर्च आधा बारीक कटा हुआ, 1 छोटा साइज का टमाटर को हमने बारीक काट लिया है, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 आलू को हमने इसे घिस लिया है मीडियम साइज के आलू को, और धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। आप इसमें सब्जी और जो चाहे ऐड कर सकते हैं, या इसमें जो अगर पसंद ना हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। मसाला में हमने जीरा पाउडर लिया है, जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच डालेंगे, चाट मसाला आधी छोटी चम्मच, नमक टेस्ट के अनुसार। और हमने चिली फ्लेक्स लिया है 1/4 छोटी चम्मच। यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स और हरी मिर्च दोनों का यूज किया है, आप मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये हमने काला नमक लिया है आधी छोटी चम्मच। काला नमक से नाश्ता में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो काला नमक जरूर यूज करें। तो चलिए अब हम बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं इस नाश्ते के लिए। सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे, इसमें डाल देंगे ये पोहा। तो पहले हम पोहा को धो लेंगे अच्छे से 2-3 पानी से। पोहा को हमने धो लिया है तो हम इसे 5 मिनट छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि अच्छे से ये फूल जाए। 5 मिनट लगभग हो गया और पोहा अच्छे से फूल गया है, तो हम इसमें डाल देंगे सूजी। इसको साफ हाथों से पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, या बिना दही का भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है पोहा और सूजी। अब हम इसे ढक के रख देंगे लगभग 15 मिनट के लिए, सूजी को फूलने के लिए। 15 मिनट लगभग हो गया, तो हम देख लेते हैं सूजी फूला है या नहीं। ये देखिए, ये फूल चुका है, सूजी अच्छे से फूल गया है। तो हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे, प्याज, गाजर, गाजर को आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, और ये मैं आलू को जो ग्रेट करके लिया था। आलू को ग्रेट करके आप 2-3 बार धो ले अच्छे से, और इसे 5 मिनट पानी में छोड़ दे, ताकि इसका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, नमक टेस्ट के अनुसार, जीरा पाउडर, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, काला नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हमें पानी का जरूरत होगा तो 2-3 चम्मच और हम पानी ऐड करेंगे इसमें। धनिया पत्ता हमारा रह गया था, धनिया पत्ता भी डाल देंगे। ये देखिए हमारा बैटर तैयार है, और इसका कंसिस्टेंसी ऐसा ही रहेगा, नहीं बहुत ज्यादा गाढ़ा रहेगा, नहीं बहुत ज्यादा पतला। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे हमने एक पैन को गर्म होने रख दिया था। अब हम इसमें डाल देंगे तेल। तेल हमारा थोड़ा गर्म हो गया, तो हम गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे, और ये हमने जो बैटर बना के रखा है इसे पैन में डालेंगे। इसको अच्छे से पूरे पैन में हम फैला देंगे। इसे हमने अच्छे से फैला दिया। अब हम इसे ढक के लगभग 10 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पे। तो हम इसे ढक देते हैं। 10 मिनट लगभग हमने पका लिया है अंदर की तरफ से, तो हम इसे पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, तो हम अंदर की तरफ भी पका लेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें पकाना है, ताकि सब्जी अच्छे से पके। तो हम इसे ढक देते हैं। अंदर की तरफ भी हमने पका लिया है, ये आप सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है ये। तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारा सूजी और पोहा का नाश्ता बनके तैयार है, तो हम इसे कट कर लेते हैं। तो हम इसे काटने के लिए हमने पिज्जा कटर लिया है, आप चाकू से भी इसे काट सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत क्रिस्पी है, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को।